नमस्ते मित्रों, मैं निम्बोल गांव में हूं, जलगांव महाराष्ट्र में। और हमारे मित्र हैं यहां पर मिलिंद। नमस्ते मिलिंद भाई, पूरा परिचय आपका। मैं मिलिंद पाटिल, हाँ, निम्बोल, तालुका रावेर, जिला जलगांव। मिलिंद भाई, अगर फार्मर ये प्रेजेंटेशन देखने के बाद आपको फ़ोन करें तो आप चर्चा करेंगे उनसे? जी जी। तो आपका नंबर भी बताइए। हाँ, 9823-380-319। मैं थोड़ी सी चीज़ें पूछूंगा, अदर कंपनी का नाम नहीं लेना है अपने को। जी। आपका जो खेत है जहाँ खड़े हैं हम, यहाँ रेवा आपने पहली बार यूज़ किया है? जी। ठीक है, बलराम जाट को पहली बार यूज़ किया है? जी। आप अभी तक जो भी कंपनी का लगा रहे थे, मैंने सुना है आपने यहाँ पर दोनों लगाए हैं इस फील्ड में? जी, दोनों लगाए। तो इस खेत में ग्राफ क्या है, पौधे कितने कितने हैं? ये हमने सरी रखी है 7 फीट की। हाँ। दो सरी का अंतर 7 फीट है, लाइन से लाइन 7 है, लाइन से लाइन, और पौधे से पौधा, और पौधे को पौधा 5 फीट का रखा हुआ है। 5 फीट है। हाँ। और डबल ड्रिप है? डबल ड्रिप रखा हुआ है। और रात में बारिश भी अच्छी हुई है तो अभी पेड़ भी गड़ रहे हैं। अच्छे है। और ये जमीन भी हेवी ब्लैक सॉइल है हमारी। हेवी ब्लैक सॉइल, हेवी ब्लैक सॉइल है, मतलब इसको अगर गहराई में देखें, पानी नहीं आप मत दो, और बापरे तो आपको कीचड़ लगेंगे ही लगेंगे पैर में। ये रात में हेवी बारिश हुई थी। आज तारीख क्या है मिलिंद में? आज की तारीख 8 तारीख, 8/11/2019। जी, है ना। हाँ। प्लांटेशन कब किया था आपने? ये 15 अप्रैल, 15 अप्रैल 2019 में आपने प्लांटेशन किया था। इसमें रेवा का पौधा कितना लगा हुआ है? इसमें रेवा का 3200 लगा हुआ है। 3200। हाँ, और अदर कंपनी का 800। 800 वो है। अपन अदर में खड़े हैं अभी। अभी अदर में खड़े जी, हैं जी। और जैसे मैं उधर से देखते आ रहा था, रेवा में फ्लावरिंग अच्छी खासी दिख रही है मेरे को, ज्यादा है परसेंटेज, है ना। हाँ। कितने दिन का फर्क है? इसमें भी फ्लावरिंग एक बंच मुझे दिखा है जी, पीछे दिख रहा है एक बंच। कितने दिन का फर्क है? एक ही दिन का प्लांटेशन है फ्लावरिंग में? एक ही दिन का है जी, सब प्लॉट एक ही दिन लगाया हुआ है। ठीक है जी। 12-15 दिन का गैप है फ्लावरिंग में जी, है ना। आज आराम से आएगा क्योंकि उसमें ज्यादा हया है जी, फ्लावरिंग उसमें ज्यादा फ्लावरिंग। भैया, मैं जिन किसानों का परिचय करवा रहा हूँ आपसे, ये अपने आप में सभी अपडेट किसान हैं। पूरे भारत में जलगांव जिले का नाम फेमस है जहाँ केले की खेती होती है सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छी और सबसे बेहतर किसान यहाँ पर हैं। जलगांव जिले में रावेर तालुका में निम्बोल करके गांव है, वहाँ पर हूँ मैं। ये मित्रों ने मुझे ट्रायल किया है, मुझे चांस दिया है इनके घर गांव में एंट्री करने का। यहाँ से इधर अदर कंपनी का है जी, है ना। ये एक ही ड्रिप का पानी है, ये छड़ों से देख सकते हो, ये जो वाल है मेरे पैर के यहाँ से एक छड़ा गया है लेफ्ट में, एक छड़ा गया है राइट में। तो इधर है रेवा और इधर है अदर कंपनी। मिलिंद भाई, एकदम से वीडियो में सबको समझ में नहीं आएगा, अगर आपकी भाषा शैली में मैं बात करूं जी, कितने परसेंट का फर्क होगा अभी वर्तमान में अदर कंपनी में और रेवा में? इसमें समझो अभी जो दूसरी कंपनी है अपने पास, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 8-10 लूंगा निकलेंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक। और 800 के हिसाब से 8-10 समझो। हाँ। मुझे आप 10% पकड़ चलिए। ठीक। और इसमें निकलेंगे कम से कम 200 लूंगा। ठीक है, जो बाहर निकले है उसमें 200 से ऊपर जाएंगे समझो रेवा में। 20% का फर्क समझ सकते हैं आराम से आएगा, है ना। और क्वालिटी में थोड़ा फर्क है अभी आगे और पता, वो तो बंच पूरा बनेगा तुलेगा अपन जब तक की बात करेंगे। अभी मित्रों मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन फार्मरों के यहाँ पर हूँ ना, इनसे तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मिलिंद भाई, आपने इनकी मोटाई नापी थी क्या, कितनी है? 31 इंच आ रही है। 31, शायद आपने 8 दिन पहले नापी होगी। हाँ। अभी ज्यादा मिलेगी भैया। ये जो रेडिश कलर है ना तने जी, पे जी, जी। ये रेडिश कलर जितना ज्यादा आएगा उतना आपका डंडा मोटा आएगा। हाँ। उतना वादे में लेंथ, केले में लेंथ आएगी, जिसको अपनी भाषा में, व्यापारी भाषा में वादा बोलते हैं। अगर इसमें लालपन है, कालापन कम है, ये जैसे कालापन दिख रहा है, ये जितना होगा ना उतना प्रीमियम बनेगा। जैसे अपन उधर घूमे थे तो आपको कलर में भी डिफरेंस लगा होगा। सीधा सा उसका सूत्र है, कलर डार्क रेडिश मतलब मैच्योर्ड हो गया है, उसका बचपना खत्म हो गया है, बड़ा हो गया है। तने का कलर ग्रीन लाल मतलब अभी बचपना चल रहा है, चल रहा है। बचपने में अगर फ्लावरिंग आई तो केले की संख्या, डंडे की मोटाई, वादा, सभी कुछ में डिफरेंस दिखेगा। हाँ, हाँ। और ये आप खुद ही ऑब्जर्व करोगे, है ना जी। मिलिंद भाई, ये 31 इंच नहीं, ये 40 इंच के लगभग है, ज्यादा है ना। हाँ। एक चीज की समस्या है भाई, ये जो मेरे को सकर दिख रहे हैं जी, इनको आप ड्रिल करो। हाँ, हाँ। ये भाई हिस्सा ले रहे हैं
होता क्या है, आपने इनको ड्रिल नहीं किया नहीं। मिलिन भाई अब इसने मोटाई ली है ना, ऑलरेडी ये 10 इंच मोटा है, ठीक है। अब ये पौधे ने इसके तने की मोटाई जितनी भी है, अगर इसके तने की मोटाई 40 इंच की है, ठीक है, और आप सकर ड्रिल नहीं कर रहे हो, ये सकर अगर ड्रिल नहीं कर रहे हो तो ये भाई हिस्सा ले रहे हैं जी। अगर इनको ड्रिल किया तो आपका पौधा जितना मोटा है उतने किलो का वजन देगा। अगर ये 40 इंच का है तो 40 किलो देगा, मैंने प्रैक्टिकल किया है मेरे खेतों में और अदर किसानों के यहाँ पे। अगर ये 40 इंच का तना है और आपके पास बच्चे हैं, ड्रिल नहीं किया, 1 2 3 4 5 6 तो हैं बड़े बड़े जी। बाकी 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 हैं। अब मैंने अगर बोला या किसी एग्रोनॉमिस्ट ने बोला आपको कि 10 किलो 12 एक्सट डालना है आपको जी, उदाहरण के लिए 9 बच्चे और एक ये खुद, मतलब 10 भाई मिल बांट के खाएंगे और हमें 12 एक्सट अगर खिलाना है या कोई सा भी खाद तो जिससे हमें फल आएगा, जिसका हम फल वजन बेचेंगे मार्केट में, उसी का हमको वजन बढ़ाना है जी। तो आपने जितना ड्रिल किया उतने भाई खत्म, वाटे बंटवारे खत्म, अब पूरा एक ही खाएगा तो ये वजन देगा। अगर ड्रिल नहीं कर रहे हैं तो 20% उत्पादन कम होता है। 40 इंच के बंच का 20% कम करोगे तो 4 × 2 = 8, इसका 32 किलो वजन आएगा। आप डायरी में अभी लिख लो, उसके ऊपर नीचे कुछ होगा। और अगर ये ड्रिल किया हुआ होता तो ये 40 किलो का वजन आता जी। तो छोटा सा एक सूत्र है, भाई हिस्सा लेना बंद करवाओ। ये जो बच्चे हैं ना, ये अपने लिए खरपतवार है, है ना, जैसे खरपतवार हम निकाल के बाहर करते हैं। भैया टेप होगी आपके पास, टेप भाई के, योगेश भाई टेप, इसको नापो ना कितना है। आप छोटे ब्रदर हैं? हाँ, छोटा भाई। ये भाई राम लखन की जोड़ी है। मैं जहाँ जा रहा हूँ भाइयों का काम चल रहा है भाई, जहाँ जा रहा हूँ भाई भाई मिल रहे हैं, छोटे भाई बड़े भाई। ये खेत का मैनेजमेंट यही भाई करता है ज्यादा। 35 है भैया, एक मिनट है। 35 इसकी रिंग का वजन है। भैया आपका पूरा परिचय? नीलेश पाटिल, ग्राम निम्बोल, तालुका रावेर, जिला जलगांव। नीलेश भाई ये वीडियो जाएगा यूट्यूब पर, अगर आपको अच्छा लगे, किसान आपको डायरेक्ट फोन करे तो चल सकता है? चलेगा। तो आपका मोबाइल नंबर बताइए। 9823699233। मित्रों ये दोनों जय वीरू हैं छोटा भाई बड़ा भाई मिलके खेती कर रहे हैं। और ये बंच भी दिख गया है रेवा का, ये रेवा G9 है या प्लस है? G9 है, रेवा G9, ठीक है। भैया डंडे की मोटाई और एक पंजे से दूसरे पंजे में गैप। योगेश भाई ने तो भैया केले भी गिन लिए थे वो और थोड़े से आपसे निकलते हुए फार्मर ऐसा है, मतलब निम्बोल में ना मैंने एक चीज़ देखी है, हर फार्मर एक दूसरे से ज़्यादा अपडेट है सीखने को मुझे भी बहुत मिलेगा यहाँ पर। मित्रों ये मैंने डायरेक्ट किसान के नंबर दिए हैं, आप इनसे बात कीजिए, समझिए। कोई ज़रूरी नहीं रेवा का पौधा लगाना, ज़रूरी ये है सही खेती कैसे करना है ना। मैं फार्मरों के बीच में केवल अच्छी फार्मिंग और एक मुहिम पे काम कर रहा हूँ, किसान का खर्चा आधा और उत्पादन ज़्यादा। जो मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप, बलराम किसान के नाम से है या किसान पाठशाला, दो में से जो भी डालोगे आ जाएगा। लाल बटन है साइड में सब्सक्राइब का, उसका पैसा लगता नहीं है। आप जो भी मित्र उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको मेरे हर वीडियो ऑटोमेटिकली यूट्यूब पर फ्रंट में दिखेंगे। आप मुझे कंटिन्यू फॉलो करना चाहते हो तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, इच्छा आपकी है। मेरा नाम बलराम किसान, बड़वानी मध्य प्रदेश से, मोबाइल नंबर है 8827738222। एक चीज़ और बतलाता हूँ, मैंने एक वीडियो अभी डाला है योगेश भाई का निम्बोल से, उनके यहाँ भी यही सेम परिस्थिति है, लेकिन वहाँ और यहाँ पर आपको पत्ते सूखे हुए कम दिखेंगे। मिलिन भाई ये 5x7 जी है ना, और योगेश भाई के यहाँ 5.5x6, केवल इतना फर्क है। दोनों रेवा के हैं, दोनों अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन ये 7 फीट होने के कारण इनके पत्तों में रोग कम है, सूखे हुए नहीं दिखेंगे, पत्ता पूरा क्लीन दिखेगा। तो मैं जो ग्राफ रेकमेंड करता हूँ 5x7, इसमें भी थोड़ा चेंजेस है, इन्होंने 7x5 लिया है। मैं चाहता हूँ 5 पे ड्रिप हो और पौधे से पौधा 7 हो। थैंक यू, जितना बड़ा भी बनाऊँगा उतना बड़ा वीडियो बनता ही जाएगा। और नेक्स्ट में देखते हैं।